चलो चलो जल्दी चलो, कहीं वो लोग आ ना जाए। नमस्ते साहब, हम लोगों को बचा लीजिए साहब। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। उन लोगों ने हमारे पीछे गुंडा लगाया हुआ है साहब। हाँ साहब, ये ठीक कह रहा है, वो लोग हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं। हमें बचा लो साहब, वो लोग हमें जान से मार देंगे। तुम लोग बालिग हो क्या? हाँ साहब, हम लोग दोनों ही बालिग हैं। चिंता मत करो, कल सवेरे हम तुम लोगों की शादी कोर्ट में करवा देंगे। अच्छा ये बताओ, उन लोगों को तुम पहचानते हो? हाँ साहब। हवलदार यहाँ आओ। यस सर। इसके साथ बाहर जाकर देखो जरा, कोई है क्या? आओ मेरे साथ। राधा तुम यहीं रुको, मैं हवलदार साहब को बाहर दिखा कर आता हूँ। ठीक है। तुम बैठ जाओ। अरे यहाँ कोई भी नहीं है, चलो चलो। यहीं तो थे। आओ। पानी लो। ठीक है सर, बाहर कोई नहीं है सर। साहब राधा कहाँ गई? जैसे ही तू बाहर गया वैसे ही तेरे पीछे पीछे वो भी बाहर चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है साहब, वो मेरे बिना कैसे? ए, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं साहब, राधा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? चलो चलो, तुमको शादी करने का बहुत शौक है ना, तो आज मैं तुम्हारी ऐसी शादी करवाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। चल चल गाड़ी में। और शौक है ना शादी करने का? डॉक्टर साहब हैं? अंदर हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। ये दवाई बाहर से जाकर ले लीजिए। जी अच्छा, नमस्ते। गीता, गीता कहाँ हो तुम? गीता, गीता। भाई साहब, मेरी बेटी गीता यहाँ बैठी थी, कहाँ गई है? अरे मैडम, यहाँ पर रोज कितने लोग आते जाते रहते हैं, हम लोग किस किस का ध्यान रखेंगे? देखिए यहीं कहीं पर होगी। तुम जाओ अपना काम करो। जी सर। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी गीता यहीं बैठी थी, पता नहीं कहाँ गई। चिंता मत कीजिए, चिंता मेरा मत जी बहुत घबरा रहे डॉक्टर साहब। तो पहले अपने आप को संभालिए, फिर थोड़ी देर बाद थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा। ये लो पकड़ो। हाँ, संभाल लो। इंस्पेक्टर साहब, किडनी गायब हो गई है, लीवर गायब हो गया है, इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। आज हमारे अस्पताल से लड़की गायब हो गई है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? आप क्या एक्शन ले रहे हैं? कॉलेज से लड़कियों को गायब होकर पूरे 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। प्रिंसिपल होने के नाते मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? जवाब है, जवाब दीजिए। अब आप क्या एक्शन ले रहे हैं? हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारी लड़कियां चाहिए। ये कोई आसान बात नहीं है, आप लोग इसे आसान समझते हैं, लेकिन अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। शायद आप लोगों को ये नहीं पता, क्या आप लोगों के पास कोई सुराग है? अगर कोई सुराग होगा तो मैं उसे खुद पकड़ूंगा। आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पोती गायब हो गई है, आप उसको ढूंढ निकालिए। आपकी पोती का कोई फोटो है? लाइए दीजिए मुझे। ये लीजिए साहब। संभाल के भाई साहब। वो क्या है ना, टूट जाएगा तो बिकेगा नहीं। ओ हो हो, अब ये नहीं, तेरे दांत टूटेंगे। रुको रुको, गांधी जी ने कहा था कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन आजकल महात्मा गांधी की बात मानने वाला यहाँ कौन है? इसीलिए मैं जबरदस्ती एक गाल पे थप्पड़ मारने के बाद दूसरी गाल पे थप्पड़ मारा। अरे वाह, एक भगवान के लिए दो दो दान पेटी। आदमी से टकराते टकराते बहुत बोर हो गया हूँ मैं। बहुत बढ़िया,
अब तो मैं भगवान से टकराऊंगा। क्या बात है रे, पत्थर क्यों मारा तूने? ए, चाहो तो मंदिर उठा के ले जाओ, लेकिन ये दान पेटी छूना मत। अच्छा ये बताओ, उस पेटी में करंट लगा हुआ है क्या? छूते ही बड़ा जोर का झटका लगा। करंट नहीं, लात मारता है। चाहो तो मंदिर का दान पेटी ले जाओ, भगवान तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन इस दान पेटी को हाथ लगाओगे तो चंदन भैया माफ नहीं करेंगे। चंदन? चंदन कौन है रे? ए, पेटी उठा रहे। चंदन भैया वाह, क्या धुलाई की है आपने! ऐसी धुलाई की है कि 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे वो लोग। मुजरिम को सजा देने के लिए कानून है, कानून को अपने हाथ में मत लो। मैंने कितनी बार बताया है तुमको? और मैंने कितनी बार कहा है कि आप अपना चश्मा ठीक करा लीजिए। ये जो मेरे हाथ में है ये कानून नहीं, डंडा है। और हाथ में डंडा लेकर अहिंसा अहिंसा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वे विदेशी थे जो गांधी जी के हाथ में डंडा देकर भाग गए, और ये लोग, ये साले स्वदेशी हैं। जब तक डंडा खाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तुम नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। देखो भाइयों, जैसे आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर अब खड़े हैं, अगर ऐसे ही आप लोग गुंडों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते तो वे लोग आप पे हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के जाते। क्या बात है चंदन भैया, सबको नहीं डरने की सीख दे रहे हो और खुद ही डर रहे हो। अरे साले तूफान आ रहा है। अरे भाई, बंगाल की खाड़ी 2000 किलोमीटर दूर और अरब सागर 1500 किलोमीटर दूर है, ये इतनी जल्दी तूफान कैसे आ जाएगा? अरे साले चक्रवात आ रहा है, चक्रवात। आसमान में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे तो तुम दोनों लोग ठीक से सामने देखो। बहुत खतरनाक बवंडर आ रहा है। अरे चंदन भैया,
आप गंगा को देखकर डर गए क्या? जाओ जाओ, जाकर तोता मैना खेलो, जाओ। अरे नहीं रे रजुआ, वो मैना नहीं, छुरी तलवार है। और छुरी तलवार चाहे हाथ पर गिरे या हाथ छुरी तलवार पे, हमेशा हाथ ही कटता है। अरे चंदन बेटा भाग लो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे चंदन भैया भागो मेरी राजा भागो, भागी जाएगा कहाँ? आज तो मैं तुम्हें अपनी प्यार का अंडा खिलाकर ही रहूंगी। अरे ओ चंदन रुक जा, आ, आ, अरे आ, अरे रुक जाना, भागी जाएगा कहाँ? रुक, अरे रुक जा, अरे अरे अरे, अरे, अरे भागी जाएगा कहाँ? आ जा मेरे पास, अरे कहाँ? ए मेरे राजा, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज तो मैं तुम्हें अंडा खिलाकर ही रहूंगी।
दीदी, सारी दुनिया रात में सपना देखती है और तुम दिन में सपना देख रही हो। हाँ, तो क्या वो सपना था? हाँ दीदी, 100% सपना। अच्छा हाँ। अगर ये सपना था तो मैं भी इस सपने को हकीकत में बदल दूंगी, नहीं तो मेरा नाम गंगा नहीं, कह देती हूँ। दीदी, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ। लेकिन वो चंदन कहाँ है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अब विजय की हालत कैसी है? वो कुछ दिन में चलने लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जाकर मिल सकते हो। अच्छा। नमस्ते। विजय। अरे चंदन आ गए। अरे संभाल के। और कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूं। सत्तार का कोई पता चला? सत्तार, उसी को खोजने के लिए तो आज तक मैं जिंदा हूं भाई। अब तो जब तक मैं उस हरामी का पता नहीं लगा लूंगा तब तक चैन से नहीं जी पाऊंगा। छोड़ो, अब तुम एक काम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है चंदन, अब मैं चलता हूं। ठीक है, फिर आऊंगा। अच्छा, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। ए सोनपरी, लो देखो, इनमें से पसंद कर लो। अगर पान खाने के बाद कहोगे कि होंठ लाल नहीं हुए और जेब कट गई तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये बनारस का पत्ता, ये पंजाब का कत्था, ये हिमाचल का किमाम, ये बंगाल की बीड़ी और ये मद्रास की सुपारी। अब तुमको पान का जायका कैसा चाहिए खुद पसंद कर लो। और तुम? अरे मेरे राजा, ये बात तो कलेजे को घायल कर गई। मेरी जैसी औरत तो कहीं भी मिल जाएगी। इसमें कौन सा पत्ता पसंद है? कोई भी नहीं। पत्ता ऐसा होना चाहिए कि देखते ही मुंह लाल हो जाए। और ऐसा पत्ता कुछ दिन पहले सत्तार पार्सल करता था। पता नहीं आजकल वो कहाँ है। अच्छा, तो तुम सत्तार के ग्राहक हो, तब तो तुम बड़े आसामी हो। उसके बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। अरे अब तो वो बड़ा आदमी बन गया है, अब हमारी उसकी क्या बराबरी। वो तो आप बड़े बड़े नेता और रईसों से मिलता है, समझे? कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे पास कोई नई क्वालिटी का पत्ता आए तो मुझे जरूर बताना। एक दिन मैं शहर में नहीं रहा तो तुम लोग अपना थोबड़ा तुड़वा करके आ गए। किसने मारा तुम लोगों को? बस एक ही आदमी था भैया, नाम भवानी सिंह के आदमी, काम बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में गुंडा गर्दी और हफ्ता वसूली। और एक छोकरे से तुम लोग लात खाकर आ गए। इस भवानी सिंह की एरिए में इतनी दहशत है कि मेरा पूरा नाम लेने से पहले ही लोगों की सांसें रुक जाती हैं। और उस भवानी सिंह का नाम तुम लोग डुबा कर चले आए भैया। वो तुम लोगों का जिंदा रहना धिक्कार है। अगर विधानसभा में मेरे ऊपर कोई हंगामा हो तो वो छोटी सी बात है, मेरे सामने कोई चुनाव लड़े वो मामूली बात है, क्योंकि उसमें भी मेरी ही जीत है। लेकिन मुझसे कोई टकराए ये बहुत बड़ी बात है। क्या है ना कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल गाड़ी निकाल रहे, ये लो पैसे गिन लो और काम मन लगाकर करना। सेठ, आपके दिए हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है, मेरे काम में नहीं। जिस दिन मेरे काम में गड़बड़ी आ जाएगी तो कसम गदाधारी की
पल्लेदारी छोड़ दूंगा। अरे बाबा रुके 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 रुके, दीजिए मुझे दीजिए। आ बैठिए। बाबा खटिया पे पीठ रगड़ने की उम्र हो गई और आप पीठ बोरे पे रगड़ रहे हैं। क्या करूं बेटा, पेट के लिए सब करना पड़ता है। रोटी तभी मिलेगी जब हाथ पैर चलेगा। लीजिए बाबा। ये क्या है बेटा? बाबा सोते बैठते आपका मन ऊब जाता है ना, इस पैसे से आप एक फूल की दुकान खोल लीजिए, क्योंकि आपके मेहनती हाथों के फूल को कोई भगवान के ऊपर चढ़ाएगा तो भगवान उसके ऊपर जल्दी खुश हो जाएंगे। भगवान तुमको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाए बेटा। नहीं बाबा, बड़े बुजुर्गों के हाथ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, जोड़ने के लिए नहीं। आप लोग खुश रहेंगे तभी हम लोग भी खुश रहेंगे। अच्छा बाबा, इस कलयुग में तुम भगवान के अवतार हो बेटा, तुम जहां भी रहो सुखी रहो। जिसमें इतनी ताकत आ गई, जिसने मेरे आदमियों पर हाथ उठाया, सामने आ जा नहीं तो पूरे बाजार में आग लगा दूंगा। कौन है रे वो? वो देखिए वहां। अबे साले बच्चे से तुम हार गया है? अरे तेरा ही नाम चंदन है? हाँ मेरा नाम चंदन है, पूरा नाम चंदन श्रीवास्तव। जितनी औकात में तू जीता है ना, उससे ज्यादा औकात के मैंने कुत्ते पाल रखे हैं। और मेरे आदमियों पर हाथ उठाया तूने, अरे हाथ तो दूर, मेरे आदमियों पर जो आंख भी उठा देता है उसकी आंखें निकलवा कर मैं चील कौओं को खिला देता हूं। लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जल्दी ही चुनाव आ रहा है। यहां से मैं अपने घर पहुंचूं उससे पहले तू ये इलाका छोड़ दे, नहीं तो तेरी ये गलती पूरे बाजार के लिए काल बन जाएगी। ए विधायक जी, ये राजनीति जाकर राज्यसभा में कीजिएगा। चौक चौराहे पे राजनीति चलाएंगे तो इन लोगों को तो अभी कम मारा है, इनके साथ आपको इतना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कि भौंकना भूल जाएंगे, पूंछ दबा के भागने का रास्ता खोजने लगेंगे। बहुत बड़ी बात बोल दी तूने, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की बात बर्दाश्त की है। अब मैं ये बाजार खाली कराकर ही रहूंगा। चंदन बेटा, हर समस्या का समाधान झगड़ा से नहीं होता, समस्या को ठंडे दिमाग से सुलझाना चाहिए। विधायक जी आपको भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मेरे पास सोचने समझने का टाइम नहीं है, 24 घंटे के अंदर मैं ये बाजार खाली करा दूंगा।
चिंता मत करिए आप लोग, अपना बाजार बचाने के लिए आज से मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। देखिए भाई लोग, जिन नेताओं को मंत्रालय पर पत्थर मारने से भी उनको सुनाई नहीं पड़ता, ये भूख हड़ताल करके चुपचाप उनको जगाने चले हैं। बाबा, मैं आपके भूख हड़ताल में तो आपका साथ नहीं दूंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद। चौबे जी, जी अब तक तो हमारे आदमी उस गांधीवादी का अहिंसा परमो धर्म कर दिए होंगे। ठीक कहा। ये देखो, नाम लेते ही हाजिर हो गए। आपके आदमी तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे फटे बोरे से आलू। भवानी, शेर से पंजा सिर्फ शेर ही लड़ा सकता है, कुत्ते नहीं। मोटा हो जाने से कोई पहलवान नहीं होता, पहलवानी के लिए दांव पे सीखना पड़ता है। तुझे मेरे बारे में ठीक से मालूम नहीं है बच्चे, तू मेरे सामने एक तिनका है। तुझे हम फूंक देंगे, उड़ जाएगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन फूंकने पर उड़कर कहीं वही तिनका आंख में पड़ जाए तो बहुत पछताना पड़ता है। चिल्लाओ मत, आज के बाद अगर तुम्हारे आदमी बाजार में किसी भी ठेले वाले के ककड़ी नेनुआ को बिना पैसे के हाथ लगाएंगे तो उनके हाथ मूली की तरह उखाड़ कर फेंक दूंगा। धोखे से वार करना तुम्हारा काम है और चैलेंज देकर मारना मेरी स्टाइल है। 24 घंटा एनी टाइम अपने आदमियों को भेज कर देख लेना, यदि उनकी टेढ़ी पूछ सीधी करके नहीं भेज दिया तो मेरा भी नाम नहीं। 24 घंटा एनी टाइम, ये मेरी चेतावनी नहीं, चैलेंज है। एनी टाइम। विधायक जी, आप कानून की धार तो बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन इस तलवार की धार को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। सुनो, तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूं।
प्रणाम भैया। खुश रहो। आपने इतनी सुबह मुझे बुलाया, क्या बात है? ये सब क्या है? ये तो आज का अखबार है। आज का है, लेकिन हेडिंग क्या है? पढ़ो। हेडिंग क्या होगा? भैया वो दरअसल बाजार में कुछ लोगों ने मेरे आदमियों पर हाथ उठाया था। उन लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए, बाजार खाली कराने के लिए मैंने अपनी आदमी वहाँ भेजे थे। और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं भैया। बस मंडी खाली कराने की जरूरत क्या थी भैया? तुम्हारी इस घिनौनी हरकत से वो बुढ़ा भूख हड़ताल पे बैठ गया, समझ गए? भैया वो बात नहीं है। उस बुढ़े को तो मैं देख लूंगा, पहले ये देखो। हाँ? अरे बाप रे, ये तो एकदम परी जैसी दिख रही है, एकदम परी जैसी। ये कौन है भैया? तुम जाओ और इसका पासपोर्ट बनवाकर इसे विदेश ले जाकर जितना हनीमून मनाना चाहो मना लो। बाबा कल से ना कुछ खाए न पिए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। अरे ये देखो भाई, जवानी में खाए हुए अनाज का जोश है। अरे इतने जोरदार आदमी को कैसे कुछ होगा। ठीक है बाबा, पानी नहीं पिएंगे तो दाढ़ी लेकर आता हूँ। बाबा के मन की बात कोई समझ ही नहीं पा रहा है। 24 घंटे से बैठे बैठे बाबा थक गए हैं। बाबा का उपाय मुझे ही करना होगा। ए रजुआ। हाँ भैया। जाओ बाबा के लिए एक पाउच लेकर आ जाओ। क्या चंदन भैया, ऐसे समय पर ऐसा मजाक? भैया पाउच नहीं, अंग्रेजी दारू लाऊं? अरे हटो 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 हटो, चलो बैठने दो, बैठने दो। अरे ए गांधी बाबा, इन सब को तो आपकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह से भूखा प्यासा नहीं देख सकती। हाँ ये देखिए, मैं आपके लिए वेज और नॉन वेज दोनों खाने लेकर आई हूँ। आपका जो जी करे भर पेट खा लीजिए। रजुआ। क्या भैया? बाबा से कहो खा लें, नहीं तो खाली पेट गैस सिर पर चढ़ जाएगी तो जान ले लेगी। वैसे भी इनके नाम से कोई चौक चौराहा तो बनने वाला है नहीं। सरकार तो इनको भूल ही चुकी है, एक दिन ये बाजार वाले भी इनको भूल जाएंगे। नमस्कार बाबा। आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब इन छोटी मोटी बातों पर आप अनशन पर बैठने लगेंगे तो कैसे चलेगा? ए नींबू पानी दे। ये लीजिए। आप ये लीजिए, मंडी के कागज भी दे। ये लीजिए बाबा मंडी के कागजात, आज से ये मंडी आप लोगों की। ए नींबू पानी दे। ये लीजिए बाबा, अब तो खुश हैं आप लोग? बाबा आज से इस मंडी की जिम्मेदारी आप लोगों की, सब मिलके मंडी की देखरेख कीजिएगा। चंदन बेटा, अहिंसा परमो धर्म, अब समझ में आया? न लाठी चली और ना ही बंदूक, हमारा हक हमें मिल गया। ये तो अभी शुरुआत है बाबा, अभी तो तमाम लोगों को हक दिलाना बाकी है। अब मैं चलता हूँ बाबा। नमस्ते 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 नमस्ते। कोई लाखों कमाएगा कुछ भी नहीं साथ ऊपर ले जाएगा। हाँ पैसा रुपया कोई लाखों कमाएगा कुछ भी नहीं साथ ऊपर ले जाएगा। जल जाएगा देह रह जाएगी नेकी, जल जाएगा देह रह जाएगी नेकी। जिंदगी बहार करते हैं हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं।
रुपये कोई लाखों कमाएगा, कुछ भी नहीं साथ ऊपर ले जाएगा, चल जाएगा दे रह जाएगी नेकी, जिंदगी बाहर गर्द है। हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं। का पैसा धोखा कराएगा, रह जाएगी जग में बस एक यारी, रह जाएगी जग में बस एक यारी, इसलिए हम यार करते हैं। हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से करता भलाई, लंबा हो चाहे कितना जीवन का दरिया, लंबा हो चाहे कितना जीवन का दरिया, मोहब्बत से पार करते हैं। हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार करते हैं, हम सब किसी से प्यार। शांत हो जाइए, आप लोगों ने हमारी बात का गलत अर्थ छाप दिया है। देखिए, आप लोगों में से कोई एक अंदर आए। लाइए, आप लोग अपना अपना पेपर हमें दे दीजिए, मैं बात करके आता हूँ। लाइए, हमारा भी लीजिए। हाँ, आदाब मंत्री जी। वाह सत्तार, तुम तो हर वेश में जमते हो, मैं तो खुद ही धोखा खा गया। तुम चाहे कितनी भी भीड़ में रहो, मैं तुम्हें पहचान लेता हूँ। अब तो ऐसी आंखें पुलिस ने भी पाली है मंत्री जी, और पुलिस को चकमा देने के लिए इस चेहरे को थोड़ा सा बदलना पड़ा। अब जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए मंत्री जी। लक्ष्मी से मिलने के लिए यही तो हमारी सीढ़ी है ना। अच्छा, वो पूनम का क्या हुआ? अरे नहीं मंत्री जी, दरअसल वो राजी नहीं हो रही है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सत्तार तो शेरनी को भी राजी करना जानता है, और वो तो एक लड़की है, थोड़ा समय लगेगा मंत्री जी। अरे कोई बात नहीं,
वक्त का पहिया तो कभी कभी हम लोगों का साथ भी नहीं देता। देखो बाहर बहुत सारे प्रेस वाले हैं, कहीं किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो। समय बदलने से पहले सत्तार बदल जाएगा मंत्री जी। ठीक कहते हो, पलक झपकने से पहले ही गिरगिट की तरह तुम रंग बदल देते हो, तुम्हारा जवाब नहीं है। सलाम मंत्री जी, चलता हूँ। Excuse me, sir. अभी अभी जो दाढ़ी वाला आदमी अंदर गया था वो कहाँ है? आप लोग यहीं पर रुकिए, जब वो अंदर गया है तो बाहर आएगा ही। सलाम। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं गलत काम कभी नहीं करूंगी, समझा? बहुत अच्छी ख्वाहिश है। पासपोर्ट वीजा लेकर तू सऊदी नहीं जाना चाहती ना, तो बगैर पासपोर्ट के तुझे मैं नरक भेज देता हूँ। और आज पूनम, इस तरह हर रोज किसी न किसी लड़की का किडनैप हो जाता है। लड़कियों के किडनैप, रेप, मर्डर का कौन जिम्मेदार है? इस शहर में ऐसी हालत हो गई है कि किसी भी लड़की की जान और इज्जत की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस शहर में हो क्या रहा है? आखिर किडनैप लड़कियां जाती कहाँ हैं? इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या फिर सरकार? सर, मैं उस खतरनाक मुजरिम को नहीं पकड़ पाया, सॉरी सर। देखो मिश्रा, फॉर्मेलिटी करने का समय नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम है। सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या हनीमून पे जा रहे हो क्या? देखो, 6 महीने से इस केस पर काम चल रहा है, अब तक ना ही किसी को अरेस्ट किया, ना ही किसी पर केस फाइल। सब लोग हंस रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट पर, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए तुम्हें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, सर हमें 2 दिन का और टाइम चाहिए सर। हाँ, ओनली 2 डेज सर। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। मालूम है किसका फोन था? होम मिनिस्टर साहब का। ऑफिस में आओ तो इनकी गालियां सुननी पड़ती हैं, बाहर निकलो तो मीडिया वाले हमें परेशान करते हैं। ये फाइल मुझे दो। इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक एफिशिएंट ऑफिसर अपॉइंट किया है। कौन है सर वो ऑफिसर? Yes, भैरवी speaking. मैं होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। भैरवी, एक काम करो, यादव को छोड़ दो, वो मेरा खास आदमी है, आगे जो भी होगा मैं सब देख लूंगा। ठीक है सर। सुनो रामपाल, यादव को छोड़ दो। नमस्कार मंत्री जी, ये तो बहुत कड़क इंस्पेक्टर लगती है, आप इसका प्रमोशन करा दीजिए। यादव रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। भैरवी, भैरवी क्या हुआ? भागने की कोशिश मत करना, रुक जाओ यादव, मैं कहती हूँ रुक जाओ। भागने की कोशिश मत करना, मैं कहती हूँ रुक जाओ। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। यादव भागने की कोशिश मत करना। यादव, यादव भागना मत, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अरे यादव, मैं तुमसे कह रही थी ना कि भागना मत। हाँ रुक जाओ, नहीं तो शूट कर दूंगी। अरे हाँ सर, इससे पहले कुछ कह रहे थे आप? मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? ना मैंने तुमसे कुछ कहा और ना ही तुमने कुछ सुना। जय हिंद। थैंक यू सर। बास्टर्ड, किसी का भी आदमी हो, भैरवी के हाथों कोई नहीं बच सकता। सर, मे आई कम इन? हाँ हाँ, कम इन भैरवी। थैंक यू सर। ओके, देखो भैरवी, ये केस की फाइल है, इसे ठीक से देख लेना,
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें इस केस में सफलता जरूर मिलेगी। सर, स्पेशल ऑफिसर भैरवी जी इस फाइल को पढ़ते पढ़ते शायद रिटायर हो जाएंगे। मिश्रा, सॉरी सर। मिस्टर मिश्रा, मैं कभी पूरी फाइल नहीं पढ़ती, केवल कातिल का नाम पढ़ती हूँ। लुक जेंटलमैन, तारीख 7 जुलाई 2007 सुबह 9 बजे न्यू हॉस्पिटल से एक लड़की किडनैप हुई थी। उसी दिन रात को 9 बजे कॉल सेंटर से दो लड़कियां गायब हो गई थीं और दूसरे दिन दोपहर को गोरखपुर पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट दर्ज की गई उसकी छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और तो और 70 लड़कियां और अगवा हो गईं, जिनमें 20 लड़कियां कॉलेज छात्रा हैं, 20 लड़कियां इंजीनियरिंग छात्रा, 15 लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती थीं और 10 लड़कियां हाई स्कूल की छात्राएं थीं, लेकिन अभी तक इन लड़कियों का कुछ पता नहीं चला है। और तो और 5 लड़कियां उनकी हवस का शिकार हुईं, यही है ना इस फाइल में? शक है तो आप देख सकते हैं। वेरी गुड भैरवी, वेरी गुड। मुझे पूरा भरोसा है कि कातिल तुम्हारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। सर, इस केस की जांच में भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ये लो इन्वेस्टिगेशन फाइल, आज से तुम मेरा असिस्टेंट हो। चलिए कोई बात नहीं मैडम, पगार तो नहीं बढ़ी पर पोस्ट तो बढ़ गई। अब सारा स्टाफ कहेगा कि सब इंस्पेक्टर होशियार सिंह। ठीक, शट अप। सॉरी मैडम। एंड फॉलो मी। वो फाइल, यस। डॉक्टर साहब, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? कुछ कह नहीं सकता। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अब बाबा की तबीयत कैसी है? सॉरी चंदन, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाबा कोमा में चले गए हैं, अब तो जो भी कर सकता है वो केवल ऊपर वाला ही कर सकता है, उस पर भरोसा रखो। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, बाबा को बचा। I'm sorry, sorry चंदन। बाबा, हे बाबा, उठिए ना। हे बाबा, देखिए आप इन लोगों की बात सुनकर कोई चिंता मत कीजिए, पर ये एक डॉक्टर थोड़े हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर हैं। हम लोग चल के कहीं किसी और डॉक्टर से इलाज कराएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा। हाँ, उठिए। हे बाबा, देखिए आज अगर आप नहीं उठेंगे ना तो ये लोग, ये सब लोग अनाथ हो जाएंगे बाबा, सब लोग रोड पे आ जाएंगे। हे बाबा, देखिए ना सब लोग कैसे आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। उठिए बाबा, बाबा उठिए ना। हे बाबा, उस गांधी बाबा को तो हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोग तो बस आपको ही जानते हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों को उस गांधी बाबा का उपदेश विचार कौन बताएगा? हाँ, देखिए बाबा, आपको हम लोगों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। बाबा, हे बाबा, उठिए ना बाबा। हे बाबा, बाबा नहीं उठिएगा, नहीं उठिएगा आप? हाँ, क्यों, क्या सोच रहे हैं आप? हम आपकी बार बार विनती करें, आपके सामने हाथ जोड़े, जाइए, जी लेंगे हम लोग आपके बगैर। गांधी बाबा मर गए तो क्या देश नहीं चला? क्या तो आप क्या चीज है? चंदन भैया थोड़ा धीरज रखो। अरे हट जा, ये क्या सोच रहे हैं? ये मर जाएंगे तो इनकी मूर्ति बाजार में लगा के हम लोग पूजा करेंगे? नहीं, इनके इनके जाने के बाद कोई दूसरे गांधी आएंगे, वो भी चले जाएंगे तो कोई तीसरे गांधी आएंगे, लेकिन लेकिन हम लोग तो सिर्फ इनको ही चाहते हैं, हम लोगों को कोई दूसरा नहीं चाहिए।
हे बाबा, बाबा, मैं आपका वाला गाना सुनाता हूँ बाबा, आप सुनेंगे ना, बताइए ना बाबा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव बाबा, अरे बाबा ठीक है, बाबा को कुछ नहीं हुआ, बाबा, बाबा, ज़्यादा नाटक करेंगे ना, तो अभी मार के चश्मा फोड़ दूँगा, बहुत नौटंकी कर रहे हैं ना आप, हे गंगा, देखो ना बाबा को कुछ नहीं हुआ, ओके मैडम अभी देखता हूँ। ऐ सराफ, तुम लोग इधर काम करता है? ऐ, ऐ, अरे, अरे बाप रे बाप। ऐ मैडम, नौकरी करते हैं इसका क्या मतलब है? गंदगी में घुमाएगी। शट अप। ओके थैंक यू। चलो फाइल दो मुझे। पेन दो। ये तो हिटलर की बेटी लगती है एकदम। लीजिए मैडम। अब होशियार चंद बेटा नौकरी किए हो तो ढूंढो। हे हो मैडम, पता चल गया है, ये जो मुजरिम है ये गुटखा बहुत खाता है और गुटखा खा के मर्डर करके यहाँ फेंक दिया है, इसलिए पता चल गया है मैडम। विल यू प्लीज शट अप। ओके थैंक यू मैडम। मेरी चढ़ती जवानी तड़फे रे। शट अप। ओके थैंक यू मैडम। फाइल पकड़ो। ओके मैडम, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका लोग आते हैं और यही बैठ करके सब अपना गुटरगुं करते हैं, तो ऐसे में ये दोनों लोग ही बैठे होंगे और कुछ ना कुछ गंदगी तो फैल गई होगी, तो मुझे लगता है कि जो ये गुटरगुं हो रहा था उसी गुटरगुं के चक्कर में यहीं पर कहीं पर हत्या हो गई होगी और हत्या होने के बाद ये लाश जो है यहीं कहीं फेंक दिया था। क्या बताऊं? पूनम राय लक्ष्मी बाई वुमन हॉस्टल। पूनम क्या मैडम, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ढूंढने के लिए आई है? अरे ये तो बैंक में भी बनता है। शट अप। ओके इस ठंड में बियर की जगह कोई रम बिस्की होनी चाहिए थी यार। अपना बजट तो इतना ही था। नहीं आया यार। वो देखो मैना आ रही है। कहो तो यहीं बुला ले। कहो तो यहीं बुला लो। अरे वो नहीं आई तो हम उसके पास चले जाएंगे। ए मैना चलेगी हमारे घोंसले? लगता है इसे अभी तक कोई तोता नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम लोग तो पांच पांच है ना होलसेल में, फाइव एंड वन। ये क्या हो रहा है भाई? ये मेरी बीवी है और ये गुस्सा होके यहाँ आ गई। सॉरे सॉरे सॉरे, ठीक है भाई ले जाओ, लेकिन जरा प्यार से ले जाओ। एक बात बताओ भाई, एक का
दो तो सुना था भाई, लेकिन एक का पांच लोग। भाई साहब, जब द्रौपदी के पांच पति हो सकते हैं तो क्या इसके नहीं हो सकते? सही कह रहे भाई, ले जाओ भाई। सॉरी सॉरी। अच्छा भाई, एक बात बताओ भाई, महाभारत में पांडवों ने मछली की आंख में तीर मारा था, तुम लोग इस पांचाली को कौन सा तीर मार कर लाए हो भाई? अच्छा, तो वो मछली तू है, तुझे मार कर हम इसे ले जाएंगे। यदि कोई सही आदमी मुझ पे हाथ उठाता है तो मैं ये सोचकर उसे छोड़ देता हूँ कि शायद मेरी ही गलती होगी, लेकिन जब कोई गलत आदमी मुझ पे हाथ उठाता है तो मैं हाथ से नहीं उससे लात से बात करता हूँ। रिक्शा क्या देख रही हूँ मैं? मेरे दिल में आग लगी हुई है और ये दोनों घोड़े बेच कर सो रहे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। अरे पानी जाने, पानी जाने, पानी जाने, पानी जाने। अरे क्या हुआ आपसे? ये काठपुरी के साथ छोला कौन है रे? अरे दीदी, छोला नहीं है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला। दीदी सीरा से लबालब। सीरा से लबालब, मुझे तो ये बासी दाल लग रही है, बासी दाल। बदबू यहाँ तक आ रही है। हट। अरे एक ही टंकिया, देखा तूने? उसने कितने प्यार से कहा, शट अप। और अगर तुम दोनों ना होते तो वो रात भर दिल खोलकर मुझसे बातें भी करता। अरे दीदी, वो सेटअप नहीं कहा। सेटअप का मतलब चुप जा बैठो। अच्छा, तो तुम लोग भी जाओ मेरे साथ, अभी उसे देखती हूँ। चलो 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 चलो। बस बस यहीं रोक दो। आइए मैडम, आइए हम दवा लगा देते हैं। आइए। हाँ, जरा संभाल के रहिएगा, ये आदमी बड़ा खतरनाक है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। शट अप। ओके, आइए। अरे बाप रे। अब देख क्या रहे हो? चलो। अरे छटंकिया, हे भगवान, पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। अरे आज तक मैं चंदन की आंख में नहीं बस पाई और वो उसके दिल में बस गई। ए छटंकिया, कुछ कर ना, पता नहीं वो दोनों क्या गुल खिला रहे होंगे। अरे दीदी टेंशन मत लो, मेरी आंख एक्स-रे आंख है, मैं देखता हूँ। हटो हटो, तू भी आ जा। हम छटंकिया की मदद करते हैं। ठीक से देखो ना, कुछ दिखा? ठीक से देखा ना? बोल ना क्या हुआ? अरे दीदी तुम तो लुट गई, बर्बाद हो गई हो। हे भगवान, ये क्या हो गया? देख देख ठीक से बता, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बता ना, देख बोल दे, नहीं बता। अब मुझे देखने दे। दीदी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अरे क्या हो गया भाई? डाक टिकट से भेज रही हो जब आया इंटरनेट, और अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम पुरानी मार हो, पीछे देखो नया है, गुटर गु चालू है। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हो? हमारे चंदन भैया एक बेलन से दो दो रोटी बेल रहे हैं। <आगा। laughs>
मोटा है, इसका मतलब है कि करेला है। ठीक है, बोली 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 बोली। कातिल की आंखें कैसी हैं? एकदम काली और थोड़ी पतली। देखिए मैडम, ये जो नाक होती है वो तो आगे से थोड़ी कम ज्यादा चौड़ी सबकी ही होती है ना? शट अप। ओके, सॉरी सॉरी। दिखने में कैसा था? दिखने में लंबा था। देखिए मैडम, कद्दू जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब नाक की बात आएगी तो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, देखिए मैडम कद्दू जैसा नहीं हो सकता है। नाक कैसी थी? नाक थोड़ी चौड़ी। अब नाक तो आँख से थोड़ा कम ज्यादा चौड़ा तो सबका ही होता है ना मैडम? कुछ लोगों की तो नाक ही नहीं होती, तुम्हारी तरह। हो, 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 मैडम मुजरिम का पता चल गया है। अरे साला बहुत हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत है, ये देखिए।
हेलो। हेलो चंदन, चंदन मैंने अभी अभी सत्तार को देखा है। क्या? हाँ चंदन, सत्तार कहाँ है उसका पता चल गया। तुम उसके ऊपर नजर रखो। तुम जल्दी से बस स्टैंड पर आ जाओ। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ वहाँ। हाँ चंदन ठीक है, जल्दी आ जाओ। बोल रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम सत्तार भाई, आइए अंदर आइए। अभी अभी यहां से गया है, तुम बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ, फिर उसका पीछा करेंगे। अरे यार कहां रह गए थे सत्तार, तू चला गया। किस्मत साथ दे गई उसकी, साला फिर बच गया। तुम चिंता मत करो चंदन, सत्तार का पता कहां से चलेगा यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। आ बैठो। हरामजादा, सत्तार कहां मिलेगा और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? खुदा कसम हमको सत्तार के बारे में कुछ नहीं मालूम। सत्तार का पता तो मैं तुम्हारी खोपड़ी फाड़ कर निकाल लूंगा। सच सच बता हरामजादा, नहीं तो सत्तार का राज छुपाना तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगी। बताता हूँ सत्तार के बारे में सब कुछ बताता हूँ। सत्तार ने मेरे पास कुछ पासपोर्ट छिपाए थे, वही ले जाने के लिए यहाँ आया था। तो बता अब सत्तार कहाँ जाने वाला है? सत्तार कुछ लड़कियों को लेकर कल दुबई चला जाएगा साहब। अगर कल नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा साहब। हमको सत्तार के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम है साहब। हमको बचपन से यहाँ आए तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ साहब। चंदन श्रीवास्तव, महाकाली मार्केट। अब कौन है भाई? चलो सत्तार कहाँ है हमको नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है कि तेरे जैसे गद्दारों से सच कैसे उगलवाया जाता है। अगर आप चाहें तो हमको जान से मार डालिए, मगर सत्तार के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम मैडम। जो भी आता है हमारे नाक पर मारकर पूछता है सत्तार कहाँ है, सत्तार कहाँ है। कसम से कह रहा हूँ मैडम, हमको सत्तार के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मेरे आने से पहले सत्तार को पूछने कौन आया था, बोल कौन था वो? मैडम उसका नाम चंदन है मैडम, महाकाली मार्केट से आया था, बस हमको इतना ही मालूम है मैडम। चंदन? हाँ मैडम। ये चंदन कौन है? हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा। हाँ है हवाओं में है क्या थोड़ा सा यूं नशा जो छाने लगा। कुछ न कुछ मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में। अब तक नहीं पूरी खत्म हो गई तो कुत्ते की तरह क्या चाट रहा है, चल भाग यहाँ से, भाग, चल भाग यहाँ से। दीदी क्या है रे, तुम्हारी कौन सी राशि है? मेरी राशि? हाँ। मेरी राशि वो, हाँ वो मछली वाली राशि है मेरी। हाँ अच्छा वो मेन राशि है क्या? हाँ वही। अच्छा जरा पढ़ तो। मेन राशि, मेन राशि। अरे बाप रे ये क्या, क्यों चौंक रहा है? हाँ छटंकिया क्या हुआ? अरे दीदी बहुत जल्दी तुम्हारे प्यार के रास्ते में सीधी कैंची चलने वाली है। हाँ ये क्या बकवास कर रहा है बैंगन, सीधे सीधे बता कि बात क्या है, नहीं तो छोंक दूंगी तुझे। हाँ दीदी तुम्हारे और चंदन के बीच में एक मुसीबत आने वाली है। हाँ और वो ससुरी मुसीबत एक खूबसूरत औरत के रूप में आएगी। अरे मुंशीदाल हट, ये राशि वाशी की बात कभी कभी सच होती है क्या? सच होता नहीं है। सच हो गया वो देखो सामने।
जरा यहाँ आओ। अरे आ रहा हूँ मेरी सोन चिड़िया। अब इशारे का तीर चलाना बंद करो। आज तो फैसला हो ही जाए कि चंदन किसका है। अभी दिखाती हूँ, चल छटंकिया चलो। ना आंधी ना तूफान, ये बिजली कहाँ से है भाई? चंदन तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो इस लाल छड़ी के साथ? ए कड़वी करेली, चल हाथ छोड़, मुझे चंदन से बात करनी है, चलो चंदन। अरे ये मेरा होने वाला पति है और पराए मर्द के साथ कुछ काम है ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती निर्लज्ज? चलो ना चंदन चलो। क्या बोली हो दीदी, आज दिखा दो अपने छनोटी का पावर। अरे मैडम वाह, चाप के रखिएगा मैडम, चाप के रखिएगा मैडम वाह, चाप के भूसे छोड़ा दीजिए। अरे उसकी तरफ से लौकी है तो आपकी तरफ से कोड़ा है। एक बार और कह रही हूँ, मुझे चंदन से काम है, हाथ छोड़ो। तो मैंने कब कहा कि ये किसी काम का नहीं है? लक्षणी कहेगी आ जा चंदन, आ जा, छोड़ दीदी, छोड़ दीदी, छोड़। अरे खींच कर उखाड़ दोगे क्या तुम लोग? मैं बता रहा हूँ फैसला कैसे होगा। जैसे तुम लोग मेरा हाथ पकड़ के खींच रही हो, एक दूसरे का बाल पकड़ कर खींचो और जो जीत जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। तो हो जाए। ए, देखती हूँ तू अपने आप को झांसी की रानी समझती है। हाँ अरे जरा मुझे हाथ लगा के तो दिखा। तू हाथ लगा कर तो देख, बता दे मुझे तू समझती क्या है खुद को? अरे यारी बनना, चल बात करिए, चुप कर, हाथ लगा के तो दिखा चंदन। अरे विजय उधर देखो क्या हो रहा है। वो सब छोड़ो, ज्यादा नहीं बोलना। सत्तार कहाँ है मुझे पता चल गया है। आज रात को मिडनाइट बार में आने वाला है, आज उसको किसी भी कीमत पर पकड़ना है। मैं, अरे तुम मुझे देखेगी? मैं कहती हूँ हाथ लगा के तो दिखा। चुप, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। ए, आ, आ, कुलच्छनी, वापस आ। आज की रात उस हरामी की जिंदगी की आखिरी रात होगी।
सॉरी सर। नो भैरवी, सॉरी कहने से तुम्हारी गलती माफ नहीं होगी। सॉरी शब्द से मुझे सख्त नफरत है। आई वॉन्ट रिजल्ट। इस केस को मैंने तुम्हारे हाथों में देते समय यह भी कहा था कि अगर चाहिए तो पुलिस फोर्स की मदद ले लेना। कॉन्फिडेंस ओके, ओवर कॉन्फिडेंस नेवर ओके। सर, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आई प्रॉमिस यू कि मुजरिम को जरूर पकड़ूंगी। ओके ओके भैरवी, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हार के बाद जीत की शुरुआत होती है। आगे बढ़ो। थैंक यू सर। अरे चेतन, क्या दो चाय दे। अरे मैडम, आप पुलिस की वर्दी में? लेकिन आपने तो मुझसे कभी नहीं बताया कि आप पुलिस में हैं। चलिए कोई बात नहीं, लग रहा है आप अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ गंगा की दुकान पे खुशबूदार चाय पीने के लिए आई हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? शट अप। मेरे एक्शन लेने से पहले बताओ सत्तार कहाँ है। सत्तार? सत्तार कौन है? तो तुमको सत्तार के बारे में नहीं मालूम है? तो चलो जीप में बैठो, थाने में ले चलूंगा, सब अपने आप बता दोगे बेटा। अरे थानेदार जी, झोंक के रख दूंगी अगर हमारे होटल में पुलिस की बात की तो। चंदन मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है, चोर उचकों के बारे में जानना हो तो कहीं और जाइए। हाँ, चंदन को नहीं मालूम, सतार वितार के बारे में कह देती हूँ। हाँ मैंने भी सतार के बारे में पूछा है, तुम्हारे भतार के बारे में नहीं। ऐ गवार लड़की, जानती हो कौन है? कौन है ये? सर्किल इंस्पेक्टर।
क्राइम ब्रांच, मिस भैरवी पाठक, समझी? और मिस्टर चंदन, शायद तुमको एक बात नहीं मालूम है कि सत्तार केवल कानून का मुजरिम नहीं है, बल्कि वो देश और समाज दोनों का मुजरिम है। देखो, अगर तुम सत्तार को कानून के हवाले कर देते हो तो उन तमाम माँ बाप का तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा जो न्याय के लिए भटक रहे हैं। चला। क्या है? सॉरी। जब तक बाजार में हम लोग हैं, तुम, तुम्हारा नेता और तुम्हारा मंत्री का पावर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारे चंदन भैया का। और यहाँ इस बाजार में हमारे चंदन भैया मसीहा है, मसीहा। हाँ, क्यों भाई लोग? तुम लोग अपनी गलतफहमी से बाहर निकलो तो तुम लोगों को खतरनाक कैदी का पता चल जाएगा। और जिसे तुम लोग मसीहा समझ रहे हो उसका संबंध बहुत बड़े गुंडे सत्तार से है जो लड़कियों को अगवा करता है। ये बात तुम लोग खुद चंदन से पूछो कि उसका संबंध सत्तार से है कि नहीं। इंस्पेक्टर साहिबा, सच का पैर तो जुर्म के तलवार ने काट कर रख दिया है, लेकिन दिल में हौसला हो तो सच्चाई जरूर सामने आती है। आपको तो कुछ दिनों से सत्तार की खबर मिली है, लेकिन चंदन पिछले 6 साल से सत्तार को ढूंढ रहा है। अगर ये जिंदा है तो सिर्फ सत्तार के लिए। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे तुम्हारे हाथ में है बैसाखी सत्तार नहीं दिया है। आप सच कह रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है। विजय। अरे चंदन भैया, आओ आओ बैठो। ए छोटू, एक चाय ले क्या? और क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे ये चोट कैसी लगी? अरे कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। अरे बोलो ना, कैसे लगी चोट? अरे भाई चाय ठंडी हो जाएगी, पहले पी लो। तुम्हारी चोट देखकर चाय से ज्यादा मेरा दिमाग गर्म हो गया। अब जल्दी बताओ चोट कैसे लगी। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तो सुनो, मैं सड़क पर जा रहा था, बाई तरफ से एक कार, दाहिनी तरफ से एक कार, और बीच में एक खूबसूरत लड़की स्कूटी पर आ रही थी। चंदन भैया, मैं उसे देख रहा था, अचानक एक बूढ़े अंकल पता नहीं कहाँ से हाथ में सब्जी का थैला लेकर आ गए। उसने अंकल को बचाने के चक्कर में मुझे धक्का मार दिया। दिल में तो आया कि उसे घुमा कर एक छापड़ रख दूं। देखा तो लर्निंग बोर्ड, अब क्या करता। अच्छी कहानी बना लेते हो। अब जल्दी से बताओ कि चोट कैसे लगी। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। इसी हरामजादे ने मारा है मुझे। क्यों बे, तेरे मुंह की सूजन अभी गई नहीं और तू अपने दोस्त को लेकर आ गया? चुपचाप खा लो, मैं खाते पीते लोगों पे हाथ नहीं उठाता। उसके बाद तुमसे मैं नहीं, मेरे हाथ पर तुमसे बात करेंगे। चल जल्दी से खा पी ले। ए, ए, तू कौन है रे? ये रे। आज के बाद अगर इसकी तरफ आंख उठा के देखोगे तो जान से मार दूंगा। अब ये खेल खेलना बंद करो और अंदर आ जाओ। चल। तुम छुप क्यों रहे हो? ए, ये माथे पे चोट कैसी? वो किसी ने मारा है क्या? संध्या, वो क्या हुआ मालूम है? वो मैं किसी ने मारा नहीं, दरअसल विजय रोड क्रॉस कर रहा था। एक तरफ से कार और दूसरी तरफ से ट्रक, तभी अचानक बीच में एक लड़की पुरानी स्कूटी लेकर आ गई। नहीं। हाँ नहीं, नई स्कूटी लेकर आ गई। ओहो। और वो भी फुल स्पीड में। और उसी समय अचानक एक बूढ़ा आदमी एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में चिकन लेकर आ गया। सब्जी। अबे छोड़ो ना सब्जी चिकन को,
बताने दो। अचानक बुढ़ा लगा कि स्कूटी के नीचे आ जाएगा। अच्छा। और उस बुढ़े को बचाने के चक्कर में उस लड़की ने लाकर इसे ठोक दिया। अरे मैंने तो उसे बहुत मार मारा होता। लेकिन विजय कहने लगा छोड़ दो, उसकी गाड़ी में एल बोर्ड लगा है तो छोड़ दिया। देखा बताने की स्टाइल। अरे मुझसे अच्छा तो तुमने बताया। हाँ लेकिन मान जाता हूँ ना। ये तुम दोनों आपस में मिलकर कौन सी कहानी बना रहे हो? ये कहानी है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। चेहरा पढ़ने में मैं नंबर वन हूँ, समझे? अच्छा। ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत सुनी है। मारपीट करके आए हो ना? हाँ थोड़ा सा। संध्या संध्या देखो झगड़े की बात माँ को मत बताना। संध्या संभाल लेना। संध्या प्लीज संध्या प्लीज प्लीज संध्या प्लीज संध्या। अरे मेरा बेटा आ गया, जरा घूमो तो। अरे ये चोट कैसे लग गई? किसने मारा है तुम्हें? माँ वो सत्यानाश हो उसका जिसने मेरे बेटे को मारा। अरे माँ जी चंदन के होते विजय को कोई मार सकता है क्या? अब वो क्या हुआ? रुको मैं बताती हूँ। मेरे भैया सड़क पर पैदल चल रहे थे और एक खूबसूरत लड़की सामने से स्कूटी पर आ रही थी। तभी दाईं तरफ एक कार, बाईं तरफ एक कार और दोनों के बीच में लड़की स्कूटी चला रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ में थैला लेकर सड़क पार करने लगा। उसी को बचाने के चक्कर में भैया को धक्का मार दी। अब भैया को गुस्सा आया और उस लड़की को मारने गए तो गाड़ी पर देखा कि एल बोर्ड। अब भैया क्या करते? मेरा बच्चा तू कुछ भी कह बैठी, ये दोनों मेरे आँख के तारे हैं। इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? तो मैं क्या कान हूँ? अरे नहीं बेटी, तुम तो मेरी जान है और हम लोगों की प्राण है। अरे वो विजय की माँ इन प्राण और जान के चक्कर में मुझे भूल गई। सुबह से खाना बना रही हो बना रही हो बना रही हो, अब तो कुछ खिला दो। अरे बहुत जोर से भूख लगी है, भगवान के लिए कुछ खिला दो ना। अरे जरा इंतजार कीजिए, हमारे बेटे भी भूखे हैं। चलिए खाना खा लीजिए, हम लोग भी चलो। पंडित जी अभी तक नहीं आए? इसकी शादी जल्दी से करा देते ना तो हम लोगों को इससे छुटकारा मिल जाती। चलो चलो मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे बेटी एक न एक दिन तो ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नहीं मम्मी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची। अरे माँ जी ये नाटक कर रही है, अगर आज इसकी शादी हो जाए तो कल ही अपने पति का हाथ पकड़ के इस घर को छोड़कर चली जाएगी। प्रणाम प्रणाम मिश्रा जी। प्रणाम पंडित जी बैठिए। हाँ बैठा हूँ बैठा हूँ। पंडित जी इस बंदरिया के लिए जल्दी से कोई बंदर ढूंढ के ले आइए। अरे क्यों नहीं, दूल्हा तो साथ ही लेकर आया हूँ, देसी विदेशी प्राइवेट सरकारी हर तरह का दूल्हा है मेरे पास। पंडित जी आप तो यहाँ अकेले आए हैं और बाकी वर लोग कहाँ हैं? अभी दिखाता हूँ। जो जो भी मैंने बताए थे वो सब के सब दूल्हे इसमें हैं। हाँ उनको भी दिखाइए। दिखा दो दिखा दो। हाँ ये देखो पसंद करने दो। आपकी बेटी के दिल में किसी और की फोटो छपी है, इसलिए पहले आप उससे बात कर लीजिए, इसके बाद मैं तो हूँ ही आपके साथ। हैं नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते। लाइए मैं चलता हूँ। विजय ऊपर जाकर पूछो तो संध्या से की क्या बात है। अच्छा पिताजी। हाँ बेटा। तुम रुको मैं पूछता हूँ, शायद तुमको नहीं बताएगी। अरे संध्या ये लो, अब मुंह क्यों लटका लिया? अरे भाई तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसकी मुरत तुम्हारे दिल में बसी है, ये मेरा वादा है तुमसे। तो जाओ खोज के लेके आओ मेरी पसंद का। तो ठीक है, बताओगी तब ना कि किसकी मुरत तुम्हारे मन में बसी है, ऐसे किसको खोज कर लिया हूं मैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? हे मुझे कैसे पता होगा? मेरी आंखों में झांक के तो देखो, तुम्हें सब नजर आ जाएगा। बचपन में एक लड़के का हाथ दरवाजे के बीच दबके जख्मी हो गया था और उसका दर्द देखकर एक लड़की ने अपना हाथ भी दरवाजे में दबा लिया। अब इससे ज्यादा अपने प्यार का इजहार कैसे करूं? अब तो जान गए ना मेरी पसंद का दूल्हा। ये नहीं हो सकता संध्या। तो फिर मुझसे वादा क्यों किया कि मेरी पसंद का दूल्हा ले आओगे? एक बात तुम जान लो, मेरे दिल में हमेशा से तुम ही बसे हो और हमेशा तुम ही रहोगे।
अब चाहे मुझे यह वादा तोड़ना ही पड़े, मैं एक लावारिस लड़का हूं जिसकी परवरिश इस घर में हुई है। तुमसे रिश्ता जोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर देना संध्या, माफ कर देना। चंदन बेटा, तुम तो संध्या को अच्छी तरह से जानते हो। चंदन बेटा, आजकल तो मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत को बेच देते हैं, पर तुम तो एक सच्चे प्रेमी हो और एक सच्चे इंसान भी। मेरी संध्या को तुमसे अच्छा लड़का और कहाँ मिल सकता है। संध्या को अपना लो बेटा। चंदन बेटा, मेरी बेटी का दिल मत तोड़ो। शायद इस रिश्ते को जोड़ने के लिए ही ऊपर वाले ने तुम्हें हमारे हवाले किया था। अब तुम्हारे सिवा अपनी बेटी को किसी और के हवाले करेंगे तो उसकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, मान जा। अरे तुम मुझे क्या देख रहे हो भाई, अगर इस रिश्ते के बारे में मुझे पहले से पता चल गया होता तो मैं उस पंडित से फोटो के बारे में नहीं पूछता, सीधा तुम लोगों की शादी की मुहूर्त के बारे में बात करता। चलो माँ, चलो चलो। हाँ ठीक है मम्मी।
देखो सारी सहेलियों को दे देना। अरे हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है, मैं सबको कार्ड दे दूंगी। ठीक से जाना और जल्दी आ जाना। ओ मम्मी, ओके ओके मम्मी, आ जाऊंगी। बाय बाय। ड्राइवर ये कहाँ ले जा रहे हो? ये लो माल की कीमत। सत्तार भाई माल कोरा है, थोड़ा और चाहिए। अबे हराम के, थोड़ा क्या, ये ले दुगना ले, ऐश कर। लेकिन याद रखना, इसी महीने में ऐसा ही गदराया हुआ कबूतर और चाहिए, समझ गया? ठीक है, सलाम, चल जा। नहीं मुझे घर जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, आजाद हो जाओगी है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, कल मेरी शादी होने वाली है। मुझे घर जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। शादी की क्या जल्दी है मेरी जान, सीधे सुहागरात मना लेना। अब अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तेरी इज्जत तो लूटूंगा ही, तेरी जान भी ले लूंगा, समझी? रुको प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। नहीं बुलबुल, एक बात ध्यान से सुन ले तू, 10 मिनट के अंदर तू मुझे तैयार चाहिए। Hey, जी जी भाई, सारी लड़कियों को जल्दी से तैयार करो। ठीक है भाई। हेलो, हेलो विजय। हाँ मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, संध्या अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैं इंतजार कर रही हूँ बेटा, जरा जाकर देखो वो कहाँ रह गई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ चंदन, मैंने संध्या की सारी सहेलियों के घर देख लिया, कहीं भी नहीं मिली हो। रुको रुको जरा यहाँ देखते हैं। संध्या, 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 अरे कहाँ गई, कहाँ गई? देखो तेरी होगी, देखो कहाँ गई, यही थी, कहाँ गई होगी, देखते देखो, चल ढूंढ, चल जल्दी इधर देखो। इधर भी कहीं नहीं दिख रही है। Oh!
तुम्हें कुछ चंदन चंदन संध्या तुम्हें कुछ नहीं होगा संध्या कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं चंदन अब मैं नहीं बचूंगी मेरी हालत करने वाले का नाम सत्तार है वो लड़कियों की दलाली करता है मेरे जैसे बहुत सी लड़कियां उसका शिकार बन गई हैं हाँ संध्या मैं उसे जान से मार दूंगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा संध्या नहीं चंदन नहीं एक सत्तार को मारने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा लड़कियों की सप्लाई करने के पीछे उसका पूरा गैंग है तुम उसका गैंग खत्म करोगे वादा करो चंदन चंदन सत्तार कहाँ है चंदन तुम्हारे प्यार के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है तुम्हारे प्यार को मौत के घाट उतारने वाले को मैं कानून के हवाले करूंगी यू वॉच इट किस कानून के हवाले कर दूं मैडम किस कानून के आपके उस अंधे कानून के हवाले कर दूं जो झूठे गवाह और जाली सबूतों के आधार पर चलती है नहीं मैडम नहीं सॉरी इस खतरनाक अपराधी को मैं आपके अंधे कानून के हवाले कभी नहीं कहूंगा मिस्टर चंदन एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए मुजरिम कितना भी शातिर और खतरनाक हो कानून से ज्यादा दिन तक नहीं भाग सकता है हाँ यह बात अलग है कि कुछ मुजरिम इतने शातिर होते हैं कि कानून को पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो फंसते जरूर हैं इसीलिए कहता हूँ कानून पर भरोसा रखिए हमारे मैडम पर भरोसा रखिए भरोसा मुझे है भरोसा मुझे आप लोगों पर भरोसा है लेकिन मुझे उन काले कोट वालों पर भरोसा नहीं है जो झूठे सबूतों के आधार पर कानून का मजाक उड़ाते हैं मजाक आप लोग इसे थाने लेकर जाएंगे फिर ये थाने से अदालत जाएगा और फिर शुरू होगा वही पुराना ड्रामा जज साहब तब अपना फैसला सुनाएंगे ऑर्डर 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 तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुजरिम सत्तार को बाइज्जत बरी किया जाता है हाँ मैडम यही सच है चंदन बेटा अगर ये देश कानून से नहीं हर किसी की भावना से चलने लगा तो ये एक सत्तार तो खत्म हो जाएगा लेकिन कल हजारों सत्तार पैदा हो जाएंगे मेरी बात मानो बेटा पुलिस को अपना काम करने दो बाबा सही कह रहे हैं चंदन देश के संविधान की इज्जत करो और पुलिस को अपना काम करने दो ठीक है ले जाइए इसे लेकिन एक बात याद रखिएगा मैं इसे कानून के हाथ में नहीं आपके हाथ में सौंप रहा हूं अरे तो चिंता मत करिए मैडम का हाथ नहीं है फांसी का फंदा है शट अप ओके चलो साले तुमको जेल में बताता हूँ इतना मारूंगा साले कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी लड़की सप्लाई करता है बे चल साले हराम जादे मार मार के डंडा साले तुम्हारी जितनी है ना एकदम चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं खोल बता तेरे गिरोह में कौन कौन शामिल है बता वरना पेट में डाल के साले मुंह से निकालूंगा तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे सॉरी मैडम देखो मैं कह रही हूँ मेरे दिमाग को ज्यादा टेंशन मत दो सच सच बताओ मुंह खोलो मुंह खोलेगा कि नहीं बताता हूँ जब पनीर मार शमशेरन के तो महाराज हम नहीं मैं पहले ही कर रहा था ये साले लतखोर लोग हैं जब तक लात नहीं खाएंगे तब तक मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं चल बोल चल बोल बताता हूँ सब बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ यही बात तुम अदालत में कहोगी अंडरस्टैंड वाह मैडम वाह मान गया आप तात्या टोपे की पोती हैं शट अप एंड फॉलो मी ए बेटा अब यहीं पर तुम पड़े रहो इस
पुराने पाक की कसम खा के कहता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, मेरा नाम सत्तार है, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सारी लड़कियों की किडनैपिंग में मेरा हाथ है। मैं ही लड़कियों को अगवा करके वैश्यालय भेजता हूं। परसों जिस लड़की का किडनैप हुआ था उसका जिम्मेदार मैं हूं, इसी वजह से मेरे ऊपर लगाया हुआ हर इल्जाम मुझे कबूल है। हर इल्जाम कबूल है जज साहब। ये बताओ, तुम्हारे साथ कोई और भी है? मेरे साथ कोई भी नहीं है जज साहब, इस अपराध का मैं अकेला ही गुनहगार हूं, और ये काम मैं 10 साल से कर रहा हूं। जज साहब! तुम कौन हो? बेगम। भाईजान, मैं भाभी जान को ले आया हूं, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम रजिया बेगम है, मैं सत्तार की बीवी हूँ। कल 4 आदमी मेरे घर आकर मुझे और मेरे बच्चे को जबरदस्ती एक वीरान जगह ले गए और मेरे शौहर को फोन करके धमकी दी गई कि ये इल्जाम अपने सर ले लो, नहीं तो तुम्हारी बीवी बच्चे को जान से मार दिया जाएगा। हमें बचाने के लिए इन्होंने ये झूठा इल्जाम अपने सर ले लिया। मैं सच कह रही हूँ जज साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जज साहब, मेरी बेगम सच कह रही है, ये इल्जाम मैंने दबाव में कबूल किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी बीवी बच्चे को जान से मार दिया जाता। जज साहब, मैं निर्दोष हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जज साहब, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। नो सर, ये झूठ बोल रहा है। ये सब झूठ नहीं है जज साहब। सर, सच जानते हुए भी अपने क्लाइंट की मानसिक अवस्था देखते हुए मैं अभी तक चुप रहा। अगर अदालत इजाजत दे तो मैं कुछ सच कहूं। एक मुसलमान 5 शादियां कर सकता है, लेकिन मेरे क्लाइंट की सिर्फ एक ही बीवी है। अपनी बीवी को बचाने के लिए इसने ये इल्जाम अपने सर ले लिया है। मैं भी यही करता अपनी बीवी को बचाने के लिए। योर ऑनर, मानवता के नाते मेरे क्लाइंट को निर्दोष करार देते हुए बरी किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। इंस्पेक्टर भैरवी सत्तार के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अदालत सत्तार को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है, और ये हिदायत देती है कि बिना अदालत की इजाजत के सत्तार शहर के बाहर नहीं जा सकता। और अदालत इंस्पेक्टर भैरवी को भी सख्त हिदायत देती है कि शक के बिना पर किसी को भी इस तरह कटघरे में लाकर खड़ा ना करे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा, चिंता मत करिए, मैं यहां आपके कायदे कानून पर किसी भी तरह का छींटाकशी करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो यह बताने आया हूं कि आपकी अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन मेरी अदालत का फैसला अभी बाकी है। चंदन, तुम्हारी बात सही है, मुजरिम को यहां नहीं लाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहां लाने के बदले वही एनकाउंटर करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। एनकाउंटर? कुछ नहीं होगा मैडम, आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये खाकी खादी वालों के घर की गुलाम बन चुकी है। अब तो जो करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। चंदन, देखो कानून को अपने हाथ में मत लेना, मेरी बात मानो। सत्तार जैसे अपराधी को खत्म करने के लिए एक बार नहीं 1000 बार कानून को अपने हाथ में लूंगा। गुड बाय। हेलो हेलो। शायद तुम्हारे जिंदगी के दिन खत्म हो गए हैं, इसीलिए मौत की आवाज तुम नहीं पहचान पा रहे हो। 70 रुपए हाथ डाल के तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़े, और इस गलती का हर्जाना तुम्हें जान देकर चुकाना पड़ेगा। अबे साले, फोन पे क्या कुत्ते की तरह भौंक रहे हो? मर्द हो तो सामने आओ।
मौत मुलाकात नहीं करती है, सीधा जान लेने के लिए आती है। तुम्हारी वजह से सत्तार अदालत में गया है। हम इस सब की सजा तुमको नहीं, तुम्हारे खास लोगों को दूंगा। खास लोगों को सजाए मौत। हेलो हेलो हेलो, मेरे खास आदमी विजय। बेटी, देश को आजादी दिलाने में गांधी जी का जो योगदान था ना, वो आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी, बिल्कुल नहीं। बाबा, विजय बाजार में आया है क्या? वो तो नहीं आया, कुछ हुआ है क्या? अरे अरे बाबा, झट से आया और फट से चला गया, क्या बात हो सकती है? बेटी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भगवान जाने क्या हो सकता है। विजय, 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 क्या बात है चंदन बेटे? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। विजय यहाँ आया है क्या? यहाँ तो नहीं है। कहाँ चला गया विजय? लेकिन तुम घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ। विजय, अरे तुम ठीक हो ना भाई? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलो मेरे साथ चलो, चलो चलो। क्यों रे, 25 साल की तेरी जिंदगी में ये एक लंगड़ाई तेरा खास बना? जितनी जल्दी हो सके दूसरे खास लोगों के बारे में भी सोच ले, क्योंकि लाश गिरने के बाद सोचने का नहीं, माता मनाने का समय आ जाएगा। अबे ओ हरामी, कौन है चंदन? जल्दी चल, किसका फोन था? चंदन भैया, इस देश के एक और गांधी की हत्या हो गई। चंदन भैया क्या हो गया ये? चंदन देखा, चंदन कितनी बेरहमी से उन बेरहम लोगों ने बाबा को हमसे छीन लिया, छीन लिया बाबा को हमसे। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बचा नहीं पाया उन पापियों के हाथों। अब मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगा, मुझे कसम है आपके राम की बाबा, आपके गर्दन पे जिसने तलवार चलाई है उसके इतने टुकड़े करूंगा कि उसकी गिनती 7 जन्मों तक जारी रहेगी बाबा, 7 जन्मों तक जारी रहेगी। सलाम भाईजान, मेरी जान बचाने के लिए आपका यह एहसान मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आप तो हमारे लिए खुदा से भी बढ़कर हैं, खुदा से भी बढ़कर हैं। हाँ ये क्या भाईजान, जान बचाकर आप जान ले रहे हैं? यकीन कीजिए भाईजान, मैं थाना या अदालत में आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला हूं। पैसा लेने में और जान लेने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ले लिया। कानून की नजर में मेरा आदमी कभी नहीं आना चाहिए, अगर वो गलती से आ गया तो गया समझो। अगर कानून की नजर मुझ पर एक बार पड़ गई तो मेरे को जेल की हवा खानी पड़ेगी, ये तो तुमको पता ही है, और ये मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं। सत्तर देख, सत्तर
मुझे माफ कर देना, तुम्हारी मौत का कारण चंदन है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। गुड बाय। डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। इस देश की जनता का यह विश्वास तो तुमने तोड़ दिया। चलो अब मिलाओ अपने सरगना को फोन और उसे बताओ कि चंदन ने तुम्हें किडनैप कर लिया है। हमारी संस्था द्वारा विश्व महिला दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप वहाँ आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। माई मुख्य अतिथि, किसी मंत्री या नेता को बुलवा लीजिए। इस कार्यक्रम में आपके आने से चार चांद लग जाएगा। आपने बहुत बेसहारा औरतों को सहारा दिया है और बहुतों का कल्याण भी किया है। आप लोग हमें शर्मिंदा कर रही है। मैं समाज सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। ये तो आपका बड़कपन है। अगर आप जैसे और भी लोग इस रास्ते पर चल पड़े तो कितने ही बेसहारा लोगों की जिंदगी सवर जाएगी। हमारे कार्यक्रम में आप जरूर आइएगा प्लीज। चल फोन कर अपने बॉस को। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। डॉक्टर, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करो। फोन मत काटिए सत्तार जी, फोन मत काटिए। मैं चंदन की गिरफ्त में हूँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। सॉरी, अभी आप लोग जा सकती है, मैं कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। फोन कट गया। वकील साहब, चंदन डॉक्टर का अगवा कर लिया है, तुम संभल कर रहना। किडनैप, वकील तो किडनैप हो गया। अब ऐस साले, बहुत देर कर दी तूने ये खबर सुनाने में। क्या हुआ, पैरों के नीचे से जमीन हिल गई क्या? ए, असली बाप के हो तो सामने आओ। मेरे बुलाने पर तो तू नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे ललकारने पर जरूर आऊंगा। अगर मुझसे मिलना है तो कल रामलीला मैदान में आ जाना। और एक बात याद रखना, भड़वागिरी के थाली में तो तूने पुलाव बहुत खा लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मौत परोसूंगा। ए, तुम लोग देखो उधर। ठीक है भाई। भाई लगता है वो डरकर भाग गया। जो हमको ललकार सकता है वो भागेगा नहीं, वो यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। सही कह रहे हो। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। देखो इसे, मौत के मुंह में खुद चलकर आ गया। मौत तो एक दिन सबको आती है सत्या, लेकिन कफन हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मौत के बाद यह सारी दुनिया तुम्हें जिल्लत की कफन उड़ाएगी। लेकिन तुम्हें मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होगा। गोली चलाने से पहले एक बार पीछे देख लो। क्या देख रहे हो, यह पूरा इलाका बम से भरा हुआ है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें यहां मारने नहीं, यह देखने के लिए आया हूं कि जिस औरत को पूरी दुनिया देवी मानकर इज्जत करती है, उसके इज्जत आबरू का व्यापार करने वाले दानों का चेहरा कैसा होता है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सत्तार से दोस्ती कैसी है। वो मेरा दोस्त ही नहीं था, मेरा बिजनेस पार्टनर था और दाया हाथ भी। सारे फसाद की जड़ तुम हो, और तुम्हें तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी मौत का नजारा सारी दुनिया देखेगी। अब जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाओ,
और अपनी मौत से बचने की तरकीब ढूंढो। चलो दीदी, तुम्हारी हालत तो देखकर ऐसा लगता है कि हमारा ये होटल कैसे चलेगा। ऐसी बात नहीं है बबलू, हमारी खुशी के लिए कोई अपनी दुकान बंद नहीं करेगा। और वैसे भी हमारी खुशी तो चंदन है, लेकिन चंदन हमारी खुशी बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके दिल में मैं नहीं संध्या बसी हुई है। नहीं दीदी, चंदन के दिल में संध्या पहले थी, अब तो सिर्फ उसकी याद रह गई है। अब चंदन के दिल में तुम्ही हो। हाँ दीदी, जैसे शिव जी की जटा में गंगा रहती है, वैसे ही उनके दिल में हमेशा तुम रहोगी। एक बार हंस दो दीदी। हाँ, हंस दो ना। एक बजे तुम हाथ मिलाई, दो बजे दिया दिल, तीन बजा तो तोड़ के वादा कर दी तू मुश्किल। एक बजे तुम हाथ मिलाई, दो बजे दिया दिल, तीन बजा तो तोड़ के वादा कर दी तू मुश्किल। चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो। एक बजे तुम मात मिलाई, दो बजे दिया दिल, तीन बजा तो तोड़ के वादा कर दी तू मुश्किल। एक बजे तुम मात मिलाई, दो बजे दिया दिल, तीन बजा तो तोड़ के वादा कर दी तू मुश्किल। गौरी चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दे दो। जैसे गाल का चुम्मा नालेंगे तो मर जाएंगे, कर्क दीवाना मत पागल बनाओ, कुछ ना कुछ कर जाएंगे। धमकी मत दो। मखमल जैसे गाल का चुम्मा नालेंगे तो मर जाएंगे, कर्क दीवाना मत पागल बनाओ, कुछ ना कुछ कर हो जाओ राजी। प्यार का है मौसम, नहीं मानोगी ना छोड़ेंगे पीछा तेरा हम। छोड़ो गुस्सा हो जाओ राजी, प्यार का है मौसम, नहीं मानोगी ना छोड़ेंगे पीछा तेरा हम। ये डार्लिंग चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो, चार बजा है चुम्मा दो। Come on, come on. Come on, come on. Come on, baby, won't you be my girl? Come on, girl, let me rock your world. तेरी मोहब्बत सताए, प्रेम रोग हो गया है क्या? हाँ, दुनिया में है लाखों लड़की, कोई नहीं दिल को भाए। जब से देखा तेरा चेहरा, तेरी मोहब्बत सताए। टोली तेरी जाएगी सुन ले, एक दिन
का डर, डोली तेरी जाएगी सुनने एक दिन मेरे घर, उठा के ले जाऊंगा तुझको नहीं किसी का डर। रे रानी चार बजा है चुम्मा दो, 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 चुम्मा दो। इस नक्शे को देखकर आप लोग ये बताइए कि शहर में सत्या का अड्डा कहां कहां है। मैं नहीं बता सकता, सत्या जी से दुश्मनी करके मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर बता देंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर नहीं बताओगे तो तुम लोगों को मैं मार डालूं। इन लोगों को तुम भूख देना चाहिए। आप तो हमेशा घोड़े पर ही सवार रहती हैं। मैं समझा रहा हूँ ना। ए, हट रहे, हट। इनको जानते हो तुम लोग? ये तात्या टोपी की पोती हैं। इनका निशाना कभी खाली नहीं जाता बेटा। सोच लो, अगर निशाना सही बैठ गया तो तुम लोगों का क्या होगा। दुनिया तो साले एक शादी करती है और तुम लोग साले न जाने कितनी शादी किए हो। अगर निशाना सही बैठ गया तो क्या होगा, तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा। समाज में लोग मुझे बड़ी इज्जत से देखते हैं। तो उसी इज्जत के लिए तुम लोग ये फैसला कर लो कि तुम लोगों में से पहले कौन मरेगा या फिर पहले कौन बताएगा। चलो बताओ पहले किसको मरना है, तुझे या तुझे। मैडम बताओ बेटा बताओ। वार बेटा वार, बारे बहादुर। अरे गधे के साले, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया क्या रे? कमीनो, तुम्हारे तो भेजे में गोली मारनी चाहिए। क्या चंपा भाई, तुम्हारे पिंजरे में इस समय कितनी चिड़ियां हैं? ये अभी नई मैना है, इसे तैयार करने में समय लगेगा। समय लगने दो, काम एकदम परफेक्ट चाहिए। सत्या जी, मैं अपने कोटे की 80 लड़कियों को दुबई और 50 लड़कियों को कुवैत भेज चुका हूँ। सत्या साहब, वो एमपी साहब जो पासपोर्ट मेरे हाथ में दिए थे, उस पासपोर्ट को मैं तमाम प्रोसेस करवा कर बाहर भेज दिया। देखो, अगले महीने के सेकंड वीक में पूरे देश में मेरे बिजनेस पार्टनर्स की मीटिंग होनी है। इसमें पता चल जाएगा किसका कितना फायदा हुआ और भविष्य में अपना धंधा कैसे कितना बढ़ाना है, इस पर चर्चा होगी। सत्या जी, उस चंदन की वजह से हमारा सारा धंधा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी चिंता मत करो, अगर वो बिजनेस में गड़बड़ी कर रहा है तो उसके गड़बड़ करने से पहले हम उसे खत्म कर देंगे। हेलो, किसी को नहीं, सिर्फ तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा हूं। आखिर तू मरने के लिए मेरे कंपनी में आ ही गया। रुक जा, आज मैं तुझे ऊपर भेज ही दूंगा। तुझे ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, एक जन्म तो क्या तुझे 100 जन्म तक याद रहेगा। बहुत तड़पेगा तू। देखो चंदन हमारी कंपनी में है, जाओ उसे रोक कर रखो, मैं अभी आ रहा हूं। ए, सुनो, यहां कोई आया था क्या? कोई नहीं आया था भाई जी। हेलो, कौन? अभी तक हमारी आवाज नहीं पहचाना चंदन। ठीक पहचाना। अब तुम अपनी फैक्ट्री के अंदर आ जाओ, बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया, इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। खेल शुरू तुमने किया है, खत्म मैं करूंगा। और इस खेल का खात्मा इतना भयानक होगा कि दोबारा जो शुरू करने की सोचेगा उसकी रूह कांप जाएगी। मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में बम लगा दिया है। ए, तू वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूं। ए, तुम लोग अपना काम करो। जी भाई। छोड़ो,
वो कब कहाँ क्या कर देगा कुछ समझ में नहीं आता। आप खिलाड़ी हैं तो वो आपसे बड़ा खिलाड़ी है। भाई जी चंदन लड़कियों को छुड़ा कर ले गया। हाँ भाई जी। ये साला तो सरदर्द बन गया है, क्या करो इसका। एक बात और, इन दोनों को यहाँ ज्यादा देर रखना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरे भाई, इन दोनों को थाने ले चलिए, वहाँ कोई खतरा नहीं है। और उस थाने पर तो यहाँ से भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि चौकी का इंचार्ज सत्या की बोटी खाने वाला कुत्ता है। लेकिन कहाँ लेकर चलें? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक ऐसी सुनसान जगह है जिस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं। कल सुबह 9 बजे इन लोगों को वहां ले चलेंगे, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे तो पता चल गया है। हेलो मिश्रा, क्या खबर है? सब ठीक ठाक है? एक खुशखबरी है। क्या? चंदन डॉक्टर और वकील को कहीं ले जाने वाला है। किस जगह? सर मैं बड़ी मुश्किल से इस बात का पता लगा पाया हूँ कि चंदन अपने डॉक्टर और वकील को कहाँ ले जा रहा है। उसको देख लूंगा। बात बन गई। मिश्रा ने खुशखबरी दी है, कल सुबह 9 बजे चंदन हमारे कब्जे में होगा। जाओ उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जाओ। ठीक है भाई। ठीक है भाई। I'm
चलो बाहर निकालो इन लोगों को। अरे चलो बाहर निकलो, चलो चल चल चल। ए, कोई शेर के पिंजड़े में जाकर बच सकता है, लेकिन सत्या शेर नहीं बब्बर शेर है। मुझसे टकरा कर बचना बहुत ही मुश्किल है। तो ये है तुम्हारी तारीफ का पुल। और यही है तुम्हारे जुर्म का साम्राज्य। अरे ये तो हमारे बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरा काला साम्राज्य देखोगे तो तुम्हारी आंखें घूम घूम कर बाहर आ जाएगी। बहुत गलत फहमी में हो तुम। शायद तुम्हें पता नहीं कि चंदन श्रीवास्तव की आंखें सूरज का गोला है, और सूरज के गोले में कितनी गर्मी होती है इसका अंदाजा तो तुम्हें लग ही गया होगा। पहली बार किसी ने सच्चा के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत की है, इसीलिए तुम्हारा मरना जरूरी है, नहीं तो हमारी शान पर आंच आ जाएगी। सत्या जी, जैसे अदालत में मुजरिम को फांसी देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वैसे ही इन दोनों को एक मौका दीजिए, नहीं तो मरने के बाद भी इन दोनों की आत्माएं यहाँ भटकती रहेंगी। ठीक कह रहे हो, यह मेरी अदालत है, मैं अपनी काली दुनिया के बारे में तुमको बता रहा हूँ। ये जितने आदमी हैं सब मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, और तुम मेरी एक बात खूब अच्छी तरह से सुन लो, पूरे देश में मेरे काले साम्राज्य का बोलबाला है। तुम्हारे कारण मुझे सत्तर को मारना पड़ा, अब तुम्हें मारकर मैं सत्तर को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। चल बोल, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा? मैं तुम्हारी टीवी पर ताजा समाचार देखना चाहता हूँ। क्या समाचार? ए, टीवी ऑन करो। ए, इसमें तो तुम ही लोग दिखाई पड़ रहे हो। क्या? अभी तो ये सिर्फ तुम्हारा काला साम्राज्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तुम भी दिखाई दोगे। अरे ये तो आप हैं, अरे यही कहीं कैमरा होगा, ढूंढो उसे, उधर देखो, देखो कहाँ कैमरा, देखो ना, अरे ढूंढो कहीं तो होगा, कहीं कहीं होगा। उसकी टोपी में लगा, पकड़ो उसे। कहाँ? पकड़ो इसको। देखो मामला गंभीर है, सरकार और पुलिस की इज्जत का सवाल है। छोड़ना मत।
तुम्हारी यह हिम्मत था। अरे ये क्या कर रहा है? इन लोगों का फैसला बीच बाजार में होगा। You are right. हम लोगों को इस तरह शांत हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ, शांत हो जाइए प्लीज। हेलो आईजी स्पीकिंग। यस सर, मैं अभी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच रहा हूँ। यस सर, होम मिनिस्टर साहब का फोन था, चलो जल्दी करो, कम ऑन। देखिए आप सब, पुलिस को अंदर जाने दीजिए और मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दीजिए, नहीं तो मजबूरन लाठी चार्ज करनी पड़ेगी। साहब हमें ये बताइए, क्या करेंगे मुजरिम को गिरफ्तार करके? देखिए माँ जी, उन लोगों को अदालत ले जाकर जरूर सजा दिलवाएंगे। इसका मतलब आपको अभी भी संदेह है कि वो लोग मुजरिम नहीं है? वो लोग मुजरिम है, ये अदालत में फैसला होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, फैसला नहीं हुआ तो वो लोग बेकसूर हो जाएंगे? जब तक चंदन फैसला नहीं सुनाएगा हम नहीं जाने देंगे। रुक जाइए आई जी साहब को अंदर आने दो चाची, लेकिन दूसरा कोई पुलिस वाला उनके साथ नहीं आना चाहिए। आइए आई जी साहब। इनसे मिलिए आई जी साहब, ये डॉक्टर साहब हैं। धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। कोई भी तकलीफ, किसी भी बीमारी में लोग भगवान से पहले इनको याद करते हैं, लेकिन ये हरामजादा अपनी बीमारी का इलाज कराने आई हर लड़की को हॉस्पिटल से सीधा वेश्याले भेज देता है। ना जाने कितने लोगों के पेट से पथरी के नाम पे किडनी निकाल चुका है ये। एक डॉक्टर बनने में कितने रुपए खर्च होते हैं पता है? कम से कम 18 लाख रुपए खर्च होते हैं, और ये पैसे किसी न किसी रूप में सरकार आम जनता से वसूल करती है। जैसे बकरी को घास खिलाकर कसाई बाद में हलाल करता है, उसी तरह ये डॉक्टर दवा के नाम पर विश्वासघात करते हैं। ऐसे भी विश्वासघाती दुनिया में है। और ये हरामजादा वकील, न्याय की देवी इसके काले कोट पर न्याय के लिए आश्रित रहती है, लेकिन ये काले कोट से जुर्म का परवरिश करता है। ये हत्या को आत्महत्या और पतिव्रता को वेश्या साबित करता है। ये न्याय की रक्षा के लिए नहीं, सत्या जैसे अपराधी को हर सजा से बचाने के लिए ये वकील बना है। जब न्याय दिलाने वाले लोग ही अन्याय करने लगेंगे तो फिर न्याय कौन दिलाएगा? और अब जरा इनसे मिलिए साहब, सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। धर्म की रक्षा और अपराध के सफाया की कसम दिलाकर इनको वर्दी पहनाई जाती है, लेकिन इनके शरीर का रोम रोम अपराध के रंग में रंगा हुआ है। अपनी टोपी पर लगे ये महान अशोक चिन्ह का रोज मजाक उड़ाते हैं। पॉकेट में नोट की गड्डी पड़ते ही ये हरामी कत्ल के आरोपियों को भी लॉकअप से रिहा कर देता है। यदि गलती से भी कोई लड़की अपनी समस्या लेकर इसके थाने में पहुंच जाए, चाहे वो समस्या प्यार की हो चाहे दहेज प्रताड़ना की हो, ये उसे अपने थाने से सीधे वेश्यालय ट्रांसफर करवा देता है। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? अब जरा इन दोनों से भी मिलिए आईजी साहब। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एमपी साहब और ये एमएलए साहब। जनता ने इन दोनों को अपनी सेवा करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना है, लेकिन ये दोनों जनता की सेवा नहीं करते हैं, ये दोनों जनता का खून चूसते हैं। खून, सरकार से मिलने वाली हर सुविधा हर व्यवस्था को जनता तक पहुंचने से पहले ये दोनों आपस में बंदर की तरह बांट लेते हैं। इन हरामियों का क्या होना चाहिए? और अब मिलिए उस हरामी की नस्ल से जिसके लिए ये सारे के सारे हरामजादे काम करते हैं। इसके अगल बगल जितने खड़े हैं ये तो सिर्फ डाली है डाली। उन डालियों को पालने वाला असली जहरीला पेड़ ये है, ये सत्तन सिंह उर्फ सत्या। पैसे के लिए इंसान क्या, ये भगवान को भी बेआबरू कर सकता है। अरे ये अपनी मां बहन बेटी तक को बेच सकता है।
कोठा बियर बार हथियार ड्रग्स का धंधा करता है ये। पूरे शहर से आज तक जितनी लड़कियां गायब हुई हैं, सबको ये वेश्या बना चुका है। फिर भी शहर की हर उच्च समाज सेविका, हर महिला संगठन इसको शहर के महिला सेवक के नाम से जानती है। पता है क्यों? इसके शातिर दिमाग का चमत्कार। अब तक आप जितने भी लोगों से मिले, ये सब इंसानियत के नाम पे गाली हैं। यकीनन इन सबको पालने वाला असली जहरीला सांप ये है, सत्तन सिंह। लेकिन अब एक बात और बता देता हूं आईजी साहब, इन हरामियों को बहुत बुरी मौत मार देता मैं, बहुत बुरी मौत मार देता। लेकिन नहीं, इन सालों का बनावटी नकाब हटाकर इंसान के रूप में छिपे इन भेड़ियों का असली चेहरा जनता के सामने लाना था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इन्हें कानून के हवाले कर दूं, नहीं करूंगा इनको कानून के हवाले, क्योंकि एक हरामी भी छूट गया कानून के हाथ से तो ये फिर समाज में कोर बन के फैल जाएंगे। अब इनका फैसला कानून नहीं, ये जनता करेगी, ये जनता। इन लोगों का असली चेहरा अब आप लोगों के सामने आ चुका है, अब आप लोग फैसला कीजिए। आप लोग, अब आप लोग बताइए कि इन हरामियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कौन सी, बताइए आप लोग।